प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो कल हमने डिस्कस किया था पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द पैरेलल लाइंस, ये मैं लिखना बंद करो। देखिए पैरेलल लाइंस क्या चीज थी, कल पढ़ाया था इसके बारे में, पैरेलल लाइंस, ठीक है, दैट टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, यानी वो दो रेखाएं पैरेलल रेखाएं कहलाती है, यानी समांतर रेखाएं हिंदी में कहते हैं इसको पैरेलल लाइंस। यदि यदि इनके बीच का डिस्टेंस एवरी एंड ईच पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर अगर दूरी बराबर है, यानी इस लाइन का ये पॉइंट और इस लाइन का ये पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, और फिर यहां से किसी भी जगह पे ले सकते हैं कोई भी पॉइंट, चाहे यहां लो कहीं भी लो, यानी एवरी लाइन्स पे एवरी पॉइंट, है ना, हर प्रत्येक लाइन के प्रत्येक बिंदु पर अगर इनकी दूरी समान है, दूरी इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। समझे बात की नहीं, कल पढ़ा था इसके बारे में। अब आज इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए ये पैरेलल लाइंस है और इसको एक तीसरी लाइन जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। तो इसमें कुछ रिजल्ट बन करके आते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, ये एंगल थ्री है, ये एंगल फोर है, ये एंगल फाइव है, ये एंगल सिक्स है, ये एंगल सेवन है और ये एंगल एट है। तो इसके रिजल्ट मिलते हैं। देखिए ये एंगल जो होता है, ये एंगल, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, क्यों इक्वल होंगे, कौन से कोण है भाई, कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो एंगल होंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ये वर्टिकली एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए अगर टू लाइंस, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन को आपस में इस तरह से खींचा गया है कि इनका कटान बिंदु ये है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये जो एंगल बनता है ये और ये जो एंगल बनता है, एक दूसरे के सामने जो एंगल बन रहे हैं, इन्हीं को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए इसका वर्टिकली अपोजिट थ्री, इसका वर्टिकली अपोजिट फोर हो जाएगा, तो एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर के हो जाएगा। रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट, हम यहां से सीधा सीधा लिख रहे हैं, देखिए एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल थ्री सॉरी एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, रीजन ऑफ यहां से एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सेवन क्यों बराबर होगा भाई, फाइव सेवन के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एट, एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एट, ये सारे एंगल क्यों बराबर होंगे, इसका रीजन दे रहे हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से यहां से देखोगे तो यहां से भी पहचान जाओगे। अब उसके बाद एंगल देखिए, एंगल इसमें जो है ये वाले एंगल, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फिफ्थ, एंगल फाइव, ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, कौन सा एंगल, इंटीरियर, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, ये आपके इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। और ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनमें एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव के, एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स के, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। इस इंटीरियर एंगल में एंगल थ्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल फाइव के, एंगल फोर इक्वल टू हो जाएगा एंगल सिक्स के। अगर कोई पैरेलल लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये रेखा ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट एंगल कहलाएगी, कौन सी एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल थ्री और एंगल फाइव बराबर होंगे और कौन से एंगल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, यहां पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स के, ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं। इसी तरह यहां पर भी देखेंगे एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एट, ये सारे भी क्या होंगे, अल्टरनेट, समझ मारा अल्टरनेट कि नहीं, अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखा, ये एंगल इसके बराबर, वजह क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर, वजह क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये सारे एंगल, एंगल थ्री, एंगल फोर, फाइव एंड सिक्स, ये सब क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। और इस इंटीरियर एंगल में एंगल थ्री बराबर एंगल फाइव के, एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स के,
इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई थी बात। अब इसके बाद देखिए ये एंगल, देखिए एंगल वन और एंगल फाइव बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एंगल वन और एंगल फाइव जो है ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण, सामने वाले कोण। इसे मान लीजिए कि मैंने एक जो है एक रेखा खींची है ऐसे ऐसे, तो ये एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, समझे बात की नहीं? तो यहां पर भी ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इसमें कहोगे एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल फोर का करेस्पॉन्डिंग, एंगल वन का करेस्पॉन्डिंग फाइव, टू का करेस्पॉन्डिंग सिक्स। बात समझे कि नहीं? इतना तो इसकी वजह क्या है, रीजन भी देना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, समझे बात की नहीं? बात समझ गए? ये इसका करेस्पॉन्डिंग, ये इसका करेस्पॉन्डिंग, और ये इसका करेस्पॉन्डिंग, ये इसका करेस्पॉन्डिंग, समझे बात की नहीं? इसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा, यानी एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट के और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन के। यहां पर रीजन क्या दोगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ पाए कि नहीं? करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत कोण, उसके सामने वाला कोण जो सेम उसके सामने स्थित है उसी को करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। समझ पाए नहीं बात? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखिए फिर समझिए, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सबका वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया कि नहीं? सब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब जो जस्ट आपके सामने हो उसी को शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। हिंदी में शीर्षाभिमुख कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वजह आपको जाननी पड़ेगी। एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सेवन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एट वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल फाइव फोर इक्वल टू एंगल एट करेस्पॉन्डिंग एंगल। सर समझ आया कि बात की नहीं? क्लियर समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ तो सब ये लिख लीजिए पूरा, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना? और देखिए, अच्छा लिखिए पहले भी, इसलिए प्रॉपर्टी हम पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन को बुझा रहे हैं, इस पे देख रहे हैं ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो होगी ये दो अलग अलग बिंदुओं पर अगर काटे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टू डिफरेंट लाइन्स को अगर काट रही है तो दैट लाइन आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन की अगर डिफिनेशन भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दैट लाइन लिखते जाइए, दैट लाइन वो इंटरसेक्ट्स टू आर मोर देन टू लाइंस, टू आर मोर देन टू लाइंस, टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? दैट लाइन हु इंटरसेक्ट टू आर मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा, एक ही रेखा हो दो या दो से अधिक जो है पैरेलल लाइंस को काटे, या पैरेलल लाइंस हो या ना हो, कैसी भी लाइन हो, ये लाइन है, ये भी आपकी जो है इसमें तीसरी रेखा ये काट रही है, इसको भी ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी पैरेलल में पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर देखिएगा, इसमें जो है आपने पढ़ा था एंगल, देखिए चूंकि सिंस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव, ठीक है ना, देखिए एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव एंड एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स, क्या वजह है? क्यों बराबर होंगी? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब उसके बाद आप ये भी जानते हो सिंस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180, अरे भाई तीन और चार मिलकर 180 नहीं होगा, क्यों 180 होगा? एक सीधी रेखा पर स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 का, एक स्ट्रेट रेखा पर ये थ्री है या फोर है, एंगल थ्री एंगल फोर है, तो एक स्ट्रेट लाइन ये है, इस पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180। लेकिन आप ये भी जानते हो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव, सिंस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव एंड एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए एंगल थ्री की जगह पर रख दो एंगल फाइव प्लस एंगल फोर की जगह पर रख दो एंगल सिक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180।
देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 सॉरी एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 हो जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। अगर ये चीज नहीं रखना चाहते आप तो आप यहाँ ऊपर रख सकते हो। देखिए एंगल 3 इक्वल टू क्या होता है एंगल 5 के, तो एंगल 5 और इसके बाद एंगल 4 की जगह वैल्यू क्या होती है एंगल 6 के। तो आप ऐसा करिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 का मान निकाल लीजिए, तो एंगल 3 जो है और प्लस एंगल 6, एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकते हो एंगल 5, यहाँ लिख सकते हो एंगल 5, और एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो एंगल 6। 3 को वैसे रहने दीजिए और प्लस 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो एंगल 5। तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटीरियर एंगल को दो जोड़े यानी इसको और इसको जोड़े तब कितना आएगा 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 को जोड़े कितना आएगा 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 को जोड़े कितना आएगा 180। ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ये भी हो जाएगा। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 है ये एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन जब करेंगे। कर लीजिए।